तो ये अब नीचे बीच की तरफ जा रहे हैं हम। तो हम भी देखें, तो ये बीच की तरफ जा रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि थोड़ा दूर दूर ही रखा जाए। तो जनाब वॉलीबॉल का मैच चल रहा है और मज़े की बात है ये लड़के खेल रहे हैं, सारे लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर लड़कियाँ भी खेलती हैं लेकिन आज सारे लड़के खेल रहे हैं। तो वॉलीबॉल का मैच चल रहा है, तो ये गर्ल्स जो है वो वॉलीबॉल खेल रही हैं। ये आप देख रहे होंगे इसके ऊपर से हम मौके आए हैं, ये हुआ सीन है। तो ये देखिए फ्रिप्स भी चल रही है, यहाँ पर हम फ्रिप्स भी खेलते थे आए। हाँ भैया, पहले दिन बहुत सी गेम्स खेलते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फ्रिस्बी हो गई। अब हम आपको देखेंगे आगे भी जो है ना लोग कोई ना कोई गेम्स खेल रहे हैं। वो देखें, आपको एक नज़र आ रहा होगा ये वाला एरिया जहाँ पर ये सारी चेयर्स पड़ी हुई हैं, और ये चेयर्स हैं, उसके अलावा यहाँ से लोगों को इशू करते हैं और ये सब लेके जाते हैं। वो देखें एक गाड़ी आई है, ये क्या करती है, ये सब जो लोग इशू करवाते हैं उनको छोड़ के आती हैं, फिर जब वो लोग चले जाते हैं तो ये खुद ही पिकअप कर लेते हैं वहाँ से। तो यानी कि उनको ड्रॉप करते हैं वहाँ पर, उनको सेटअप लगा के देते हैं, ख़त्म होने के बाद ये लोग वापस लेके आ जाते हैं। तो ये उनका वो एक सेटअप बना हुआ है, ये वहाँ पर आके इकट्ठा करते हैं। तो वैसे मतलब कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई गेम्स खेल रहे हैं, तो ये लोग, ये देखिए जना, ये भी खेल रहा है जना। तो ये लोग सुबह 9-10 बजे बीच पे आ जाते हैं और सारा दिन यहाँ पर स्टे करते हैं। और ये देख रहे हैं हम, जब सी में नहाया जाता है तो इसमें एक चीज़ को बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये जो पानी है ये साल्टी वाटर होता है, यानी बहुत नमकियात होती है। तो जब आप नहाते हैं तो आपका जो है वो स्किन जो है वो ख़राब हो सकती है, तो इसलिए कोई लोशन और इस तरह की क्रीम वगैरह होती है नहाने से पहले आपने वो अपनी जो है बॉडी पर लगानी होती है, ताकि आपकी जो है स्किन इफ़ेक्टिव ना हो। तो नहाने से पहले आपको क्रीम या लोशन वगैरह कोई ऐसा यूज़ होता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है सॉल्ट से और सी से। आज जो है सी में जो वेव्स है, लहरें हैं, ये भी काफ़ी जो है वो थोड़ा सा हाइट पे आ रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि आज गर्मी बहुत है और गर्मी होने की वजह से आज जो है ना सी का इन्वायरमेंट भी ऐसा है। तो आज हम भी जो है ना वो सी में नहा के जो एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो पानी बहुत ठंडा है, सी का पानी वैसे नॉर्मली ठंडा ही होता है। I am so scared, really so scared. Oh. यार ये तो कुत्ता मुझे देख के बड़ा गुस्सा कर रहा है। मैंने सिर्फ इतना कहा था इसको कि यार पानी में तुम लोग भी इकट्ठे ही ना होगे इन लोगों के साथ, तो फिर हम लोग कैसे नहाएंगे। तो ये मेरी बात का गुस्सा कर गया और स्टार्ट बार्किंग ऑन मी। और जितना निक्का है उतना त्रिक्का है। आप ये देखें जी, ये भी जो है ना, ये तो नहाएंगे नहाएंगे, बंदे तो नहाएंगे नहाएंगे, साथ कुत्ते भी नहाएंगे। यार देख लो अब इसी पानी में देख लो, दोनों नहाएंगे तो काम कैसे चलेगा। खैर ये तो फिर इनका कल्चर है। ये भी कोई गेम का नया हिस्सा ही है। देखे जी, एक टायर के ऊपर जो है ना बीबी चल रही है, क्या बात है। इसके भी अपने शशके हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे लाइफ को एंजॉय करते हैं ये।
कभी हमने अपनी लाइफ को ऐसे इंजॉय किया है या कभी कुछ करने की कोशिश की है? कभी भी नहीं। ये लोग इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। यहाँ बीच पे एक और किस्म का गेम खेला जाता है, जैसे ये लोग गेम खेल रहे हैं, तो ये बड़ा गेम पॉपुलर है यहाँ पर खेलने के लिए। अब ये दायरा लगा के बैठे हैं। अब ये जवान को देखो, ये दो आदमी चार रेत खोल के बैठा हुआ है, खोद के बैठा हुआ है। तो हर बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त है। ये जनाब वॉलीबॉल चल रहा है, लड़कियों और लड़कों का मुकाबला। देखें जी, ये लड़की और लड़के खेल रहे हैं। अभी आपको ये जो गर्ल्स नज़र आ रही हैं, ये सब अपनी फुटबॉल की किट्स पहनी हुई हैं। और अभी ये थोड़ी देर पहले यहाँ पर फुटबॉल खेल रही थी सब, तो ये एक स्कूल की तरफ से आई हुई हैं सब, और इनकी टीचर भी यहाँ पर है। तो ये इनकी जो है एक्टिविटी का जो है वो एक हिस्सा है। तो ये इन एक्टिविटीज़ पे बहुत फोकस करते हैं और इंजॉय करते हैं इस इन्वायरमेंट को, इस टाइम को। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो वॉलीबॉल है ये बिल्कुल इंटरेस्ट पे आता है। तो अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। यहाँ से इंटर एग्जिट पे आपको जो है राइट साइड पे ये आपको एक नज़र आ रहे हैं शावर्स लगे हुए हैं। जो लोग भी स्विमिंग करते हैं सी में, तो इस शावर में जाके लाजमी जो है वो यहाँ से मूव करने के बाद यहाँ से अपने पाँव और अपनी बॉडी को वॉश लाजमी करते हैं, ताकि किसी किस्म की स्किन प्रॉब्लम। मैं जा रहा था वापस, तो मैंने सोचा कि जाके ऊपर से एक जो है सनसेट का व्यू ले लिया जाए, ताकि सनसेट का कैसा व्यू नज़र आता है। सूरज जो है वो दूसरी तरफ गुरूब हो रहा है, तो इस वजह से जो है ना वो सनसेट का व्यू ऐसा ही नज़र आएगा। तो मेरा ख्याल है अच्छा सीन है, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पर हम वापस जा रहे थे, तो लाइट्स ऑन हो गई थी, तो मैंने कहा चलें आपको ये भी एक सीन दिखा देते हैं कि लाइट्स के साथ और लाइट्स के बग़ैर जो है वो कुछ विजन कैसे नज़र आते हैं। आई थिंक अच्छा लग रहा होगा। तो इसके साथ एक और चीज़ ऐड करते जाते हैं कि शाम के टाइम सनसेट के बाद यहाँ पर जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं, तो यहाँ की बिल्डिंग्स और यहाँ का रोड और उनके एनवायरनमेंट लाइट्स के साथ कितना अच्छा लगता है। तो ये भी बहुत एक अच्छा सीन है। तो जनाब ये पॉली बीच की जो है वो इंटरेस्ट थी, और ये टाइड्स जो है वो पॉली बीच का बड़ा सबसे बड़ा होटल है यहाँ पर। और आपको देखेंगे यहाँ पर ये काफ़ी होटल्स हैं यहाँ बने हुए। तो इसके होटल के बिल्कुल सामने, बीच के बिल्कुल सामने जो है ऑपोजिट रोड पे, तो ये एक छोटा सा जो है वो इनका एक मार्केट समझ लें वो बनी हुई है। ये जो है सारी मार्केट्स, इसमें सब बार्स हैं। ये देखें आप देख रहे हैं ना, ये बार्स हैं सारे। तो ये वो आपको देखें ऊपर एक टॉप फ्लोर पे, रूफ टॉप पे आपको बार नज़र आ रहा है। तो अब ये लोग जो है बाहर, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा इवेंट था जो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, और उम्मीद है कि आपने इस इवेंट को इन्जॉय किया होगा। सेकंड, ये जो बीच का ये सीन है, लास्ट जैसे मैंने वीडियो में शुरू बताया था, इससे आगे कोई ज़मीन नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, ये लास्ट लैंड है, इसे आगे लैंड नहीं है, आगे समुंदर है। राइट और लेफ्ट साइड पे हो सकती है, लेकिन ये जो है ना इसका ये लास्ट है, इसे आगे नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें आपने लोगों को वॉलीबॉल और किसी गेम भी खेलते देखा है, यहाँ का कल्चर देखा, यहाँ के लोग देखे आप लोगों ने, होपफुली आप लोगों ने इन्जॉय किया। अब मैंने तो कोशिश की है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मतलब अपनी पिक्चर्स पे वो अपने कॉन्टेंट में ना इंक्लूड कर सकूँ, तो अगर इन केस इनमें कोई ऐसा कोई आता है तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। तो मेरा ख्याल है कि आपने इस बीच को जो इन्जॉय किया होगा, स्पेशली हम लोग उस टाइम पर मीटिंग पॉइंट था, हमने बीच का इशारा देखा और लाइक किया, मेरी वीडियोज को शेयर किया, ट्वीट किए, सबके लिए स्पेशली थैंक्स फॉर एवरीवन। और मुझे दे इजाज़त अकेला परदेसी को, इंशाल्लाह आगे आने वाले कॉन्टेक्ट में हम आएंगे और नई जगह लेके, नए लोगों के साथ, नए कल्चर के साथ, नई चीज़ों के साथ। तो सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह।